मुझे किस बात की सजा? खता क्या है मेरी? हाँ छोड़ो। नहीं, मैं कब से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती? मेरी इंसल्ट करती हो, मुझे मुझे नजरअंदाज करती हो। हाँ कर रही हूँ, बुरे के साथ बुरा ही होता है ना, तो आप भी वही करिए ना मेरे साथ। किसने रोका है? आखिर मैं हूँ कौन? एक नौकरानी। साल मैं तुमसे, जिसकी ना खुद की कोई औकात है और ना उसके भाई साहब की ईमानदारी की कोई कीमत। तुमने भी तो अपनी दोस्त की बहन का ही साथ दिया ना, बिना सोचे समझे कह दिया कि मेरे भाई साहब को सबूत के साथ देखा था। एक बार सोच लेते कि आप जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है, क्या वो सही है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बात यहां तक बिगड़ गई है तो एक मौका, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं तुम्हारे भाई साहब का साथ दे सकूं और वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। साल, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। मैं कहूंगा कि मुझे एक बार और आजमा के देखो। बड़ी मेहरबानी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ। अरे बैठिए, आप लोग बस शुरू ही करेंगे अब। वृंदा जी, जाकर कनक को ले आओ। जी। अरे मारी लाडो रानी, कितनी सुंदर लग रही है। इसकी नजर ना लग जाए मारी लाडो रानी को, मिर्ची ना लगे। तो एक बात बोलूं, तूने वो होने का इरादा छोड़ दिया है ना? अरे बड़ी समझदार हो गई मारी लाडो रानी। अब एक बात सुन, वो सैंडी को भूल जा और अपने पति के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर। बस है, चल। लाडो, मैं वो काम करके आता हूं, तू यहीं रुक। पूर्णिमा, शगुन आ गया के? जी जी। ये देखिए कितना सुंदर जड़ाऊ हार आया है कनक के ससुराल से। वाह, जड़ाऊ सोने का खरा हार, ये थारे ससुराल वालों का प्यार है जो तुझे भेजा है। लाडो, गणी नसीबदार है तू। तो आवाज आई उन्होंने। जय जय। हाँ जय। हाँ बोल। ते तू यहां है भाई, चल मेरे साथ। चल।
तू जाके और वहां बैठ जा, तेरी हल्दी की रस्म वहीं होगी बस थोड़ी देर में, चला जा। साबुड़ जिस पे चाबी की दूसरी छाप है, मन ने कठे मिला जान दिया ना। आपने एक साबुन मारी अलमेरा में रख के मन ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया, और वहीं दूसरे साबुन में छाप लेके एक दूसरी चाबी बनवा दी। अब ये दूसरा साबुन और ये नकली चाबी दोनों में राणा साहब को दिखा दूंगा और अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। छुट्टी में मिसाबा आपका फोन जो गिर गया था,